नमस्कार, मैं रमन गंगाई और स्वागत आपका जी हिंदुस्तान में। तो बात करते हैं आज की चार बड़ी खबर की। तो पहली खबर, आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी के सांसदों की मीटिंग है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये मीटिंग रखी है। आज ब्रिज, पश्चिमी और कानपुर मंडल के सांसदों की बैठक होनी है। दूसरी खबर, यूपी के प्रबुद्ध वर्ग सियासत में ओएसी की भी एंट्री होने वाली है। अगले महीने से ओएसी भी यूपी में बुद्धिजीवी सम्मेलनों का आयोजन करने की तैयारी कर चुके हैं। तीसरी खबर, कर्नाटक को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सीएम के अलावा तीन डिप्टी सीएम भी कर्नाटक को मिलेंगे। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद लिंगायत समुदाय से ही नया सीएम चुना गया है। चौथी बड़ी खबर, तालिबान अब चीन को आंखें दिखाने लगा है। चीन बॉर्डर के बेहद करीब तालिबान ने अड्डा बना लिया है और अब ड्रैगन पर दिख रहा है तालिबान का खौफ। तो इन चारों बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त है सुपर स्पीड 100 का। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर शुरू। नड्डा की अध्यक्षता पर आज और कल दिल्ली में यूपी के सभी सांसदों की अहम बैठक। बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और राधामोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। यूपी चुनाव के मद्देनजर यह बैठक अहम है। दो दिन चलने वाली बैठक में आज ब्रिज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ मीटिंग। कल अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक। प्रयागराज में गंगा आरती के समय बैठे रहे बीएसपी महासचिव तीर्थ पुरोहित। बोले, सतीश मिश्रा ने समाज का ही नहीं बल्कि मां गंगा का भी अपमान किया। सतीश मिश्रा पर बढ़ गए संत समाज। कहा, सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने नहीं बल्कि खुद का सम्मान करवाने आए थे। सतीश मिश्रा पर बीजेपी भी हुई हमलवार। कहा, जो हमारी पूजनीय मां गंगा का सम्मान नहीं कर सकता वह ब्राह्मण समाज का क्या सम्मान करेगा। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर भड़काऊ बयान। वाराणसी में रैली के दौरान बोले, राजभर, बीजेपी कार्यकर्ता जहां मिले करो अच्छे से पिटाई। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ब्राह्मण समाज बीजेपी से खफा है, बीजेपी ब्राह्मण की हत्या कर रही है। जी मीडिया संवाददाता के सवाल से घबराए राजभर, अपराधी की जाति का बखान करने वाले सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। यूपी में सम्मेलनों की सियासत में ओएसी भी कूदे, अगले महीने से मंडल स्तर पर करेंगे बुद्धिजीवियों के साथ कार्यक्रम। मंडल स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में खुद पार्टी मुखिया ओएसी भी होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा। यूपी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दिए एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत। कहा, उनकी पार्टी के दरवाजे गठबंधन के लिए खुले हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। लिखा, आम जनता की जासूसी कराने के कारण बीजेपी ने अपने नाम से जनता शब्द लगाने का नैतिक अधिकार खोया। हरदोई में बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने शहीद मेजर पंकज पांडे के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीद के बलिदान को याद रखेगा देश। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 1 अगस्त से खुलेंगे कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल। बसराव बुम्बई आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। कर्नाटक में नए सीएम के साथ तीन डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ। जातिगत समीकरण को साधते हुए गोविंद कारजोल, आर अशोक और श्री रामलू को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मंगलवार को कर्नाटक बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम को लेकर हुआ फैसला। धर्मेंद्र प्रधान ने किया बसवराज बोम्मई के नाम का ऐलान। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा की जगह संभालेंगे सीएम पद की कमान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात। शाम 4:30 बजे दोनों नेताओं के बीच होगी बैठक। ममता बनर्जी आज एनसीपी चीफ शरद पवार से भी करेंगी मुलाकात। 2024 चुनाव, पेगासस समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी ने आज टीएमसी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। बैठक दोपहर 1 बजे टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय के आवास पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर पश्चिम बंगाल के नए नाम समेत दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम के साथ मुलाकात के बाद ममता बोली, थर्ड वेव से पहले सबको वैक्सीन मिले, जनसंख्या के हिसाब से बंगाल को वैक्सीन कम मिली। पेगासस मामले पर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो पूरे मामले की जांच। 7 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, संसद में कृषि कानूनों पर बहस के निर्देश देने की मांग। संसद शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे आज विपक्षी दलों की बैठक। संसद भवन में होगी मीटिंग। किसान आंदोलन, पेगासस मुद्दों पर होगी चर्चा। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम बिलों को लेकर हो सकती है चर्चा। संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी। पीएम मोदी का मंत्रियों सांसदों को निर्देश, आजादी के 75 साल के अवसर पर 75 गांवों में जाकर देश की उपलब्धियों को बताएं।
संसद में संग्राम के बीच विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कृषि कानून और जासूसी कांड को लेकर मुलाकात के लिए मांगा। असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में असम पुलिस का एक और जवान शहीद, अब तक पुलिस के 6 जवान शहीद। असम में बाराघाटी के 3 जिलों 12 घंटे के लिए बंद, असम में 3 दिन का राजकीय शोक, सीमा विवाद पर शहीद हुए थे असम पुलिस के 7 जवान। असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। राकेश अस्थाना होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, रिटायरमेंट से 4 दिन पहले मिला 1 साल का एक्सटेंशन। 1984 बैच के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी, एनसीबी चीफ और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई पुलिस ने ईडी को सौंपे सभी दस्तावेज, प्रवर्तन निदेशालय जल्द कर सकता है एफआईआर। गुजरात का हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। जयपुर में हिंदुस्तान की बात, कॉन्क्लेव 2021, देश के विकास में पिंक सिटी के योगदान पर मंथन, कारोबार जगत के दिग्गज हस्तियां कर रही थी शिरकत। आज विदेश मंत्री जयशंकर और अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, अफगानिस्तान में जारी संघर्ष और पाकिस्तान पर हो सकती है चर्चा। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, हिंदू लड़के को भगवान के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए बनाया गया दबाव। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमागहमी हुई तेज, कांग्रेस में विधायकों से रायशुमारी के लिए आज फिर जयपुर आएंगे अजय माकन। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के राजस्थान प्रभारी एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, पंजाब की तरह राजस्थान में भी सुलह की होगी कवायद। मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन के बीच सचिन पायलट आज दिल्ली में आला कमान से कर सकते हैं मुलाकात, केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से की मुलाकात। राजस्थान सीएम गहलोत के आवास पर मंत्री और विधायकों का लगा तांता, पायलट कैंप से लेकर निर्दलीय विधायक भी पहुंचे सीएमआर। ऑक्सीजन की किल्लत से मौत पर केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगा आंकड़ा, 13 अगस्त तक सभी राज्यों को देना होगा डाटा, पिछली रिपोर्ट में मौत का नहीं था कोई जिक्र। देश में एक बार फिर बढ़ने लगा है कोरोना का संक्रमण, 22 जिलों में 4 हफ्तों से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 54 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटे में 29,689 लोग हुए कोरोना से बीमार, 415 लोगों की गई जान। दिल्ली के कपार मार्केट की 75 दुकानें खाली करने के निर्देश, बिल्डिंग पर आई दरार के चलते नगर निगम ने जारी किए निर्देश। दरार के चलते मार्केट की बिल्डिंग गिरने का खतरा बना हुआ है, ग्राहकों व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर 3 दिनों में परिसर खाली करने का नोटिस। कपार मार्केट की इमारत काफी खतरनाक और जर्जर हालत में, आईआईटी रुड़की के स्ट्रक्चरल ऑडिट के आधार पर किया गया यह निर्णय। महाराष्ट्र में बाढ़ से हालात बेहद खराब, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। आज बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ के बीच हुई एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल, दुल्हन को नाव में लेकर घर पहुंचा दूल्हा। कर्नाटक के बेलगाम में बारिश का कहर जारी, बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने बचाया, शख्स को के चारों तरफ पानी भर गया था। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर, पानी के कटाव को झेल नहीं पाने के कारण कई घर पानी में गिरे, ग्रामीणों की बढ़ रही है मुश्किलें। कुशीनगर में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा, मृतक बच्चों के परिजनों ने एक शख्स पर हत्या का लगाया आरोप। यूपी के हरदोई में शिव मंदिर में दर्शन को लेकर महिला श्रद्धालु और महिला पुलिसकर्मी में तनातनी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के चंदौली में अनियंत्रित कार नहर में पलटी, पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला, बाल बाल बची लोगों की जान। यूपी के बिजनौर से युवक के नदी में डूबने का वीडियो आया सामने, 3 दिन पहले युवक गंगा नदी में डूबा था, अब तक युवक की तलाश जारी। यूपी के प्रयागराज के करछाना इलाके में व्यापारी की गोली मारकर की गई हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद। यूपी के एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटी, आगरा से बरेली जा रही थी बस, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 12 घायल, बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के साथ बैठक के बाद फैसला। परिवार के साथ बैतूल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के भोरी अभयारण्य में बिताए 2 दिन, बुधवार को कर सकते हैं जंगल की सैर। एमपी के शाजापुर में पुलिया के 4 फीट ऊपर से बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं आवाजाही। बिहार में विपक्ष ने किया सदन की कार्यवाही का बहिष्कार, तेजस्वी बोले मानी जाए हमारी शर्तें, नहीं तो कल से सदन का करेंगे बॉयकॉट। मुकेश सैनी के फैसले के खिलाफ उनके विधायकों ने खोला मोर्चा, मिश्री लाल यादव बोले हमें एनडीए में नहीं कोई परेशानी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर, अंबाला हिसार रोड पर रोडवेज बस पलटने से करीब 20 यात्री घायल, ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा।
पंजाब के अमृतसर के लॉरेंस रोड पर कार ने एक बाइक सवार शख्स को रौंदा। आसपास के लोगों ने बाइक सवार को पहुंचाया अस्पताल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हिमाचल में चंबा के एक घर में कोबरा सांप घुसने से मची अफरातफरी। सूचना मिलने पर वन विभाग ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। गुजरात के जामनगर में सड़क पर लगी लोहे की रेलिंग की चोरी। सीसीटीवी में कैद। रेलिंग तोड़कर महिलाओं ने किया डांस, फिर रेलिंग लेकर हुई फुर। गुजरात के भावनगर में राष्ट्रीय मृग अभयारण्य में घूमते हुए हिरणों का वीडियो हुआ वायरल। वेला वदर इलाके में सड़क पार करते हिरणों का झुंड आया नजर। सरकारी कर्मचारियों को डबल फायदा। केंद्र ने महंगाई भत्ते को 28% बढ़ाने के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाने का किया है निर्णय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खराब संकेत। IMF ने भारत का GDP अनुमान घटाकर 9.5% किया। पिछले अनुमान में 3% की बड़ी कटौती। किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम। सरकार के एक करार के जरिए अब देश में बड़े पैमाने पर नैनो यूरिया का उत्पादन होगा। ग्रोफर्स ने शुरू की इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस। केवल 15 मिनट में 7,000 घरों में डिलीवर किया सामान। ब्लॉगर्स के लिए IRCTC का एक खास कॉन्टेस्ट। मिलेंगे 1,00,000 से ज्यादा रुपए। ब्लॉगर्स को रेलवे से जुड़े कैटरिंग टूरिज्म जैसे टॉपिक पर बनाना होगा वीडियो। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 अब आज खेला जाएगा। कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बदला शेड्यूल। गुरुवार को होने वाला तीसरा T20 शेड्यूल नहीं बदला गया। T20 सीरीज में 1-0 से आगे है भारतीय टीम। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला हॉकी मुकाबले के साथ भारतीय खिलाड़ियों की जोर आजमाइश होगी शुरू। स्टार शटलर PV सिंधु मुकाबले में उतरेंगे। टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत। कृणाल पांड्या के संपर्क में आए 8 खिलाड़ियों को नहीं है कोरोना। सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। टोक्यो ओलंपिक के दौरान राष्ट्रीय कोच से मदद लेने के मामले में मनिका बत्रा को मिलेगी सजा। टेबल टेनिस महासंघ ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक अजब गजब वीडियो। डरावना वीडियो देखकर दीपिका के फैंस हुए हैरान। एक बार फिर मम्मी बनने जा रही है नेहा धूपिया। अपनी फिटनेस के लिए ले रही है योग का सहारा। नेहा ने वीडियो किया शेयर। सलमान ही नहीं कैटरीना भी टाइगर सीरीज की अगली फिल्म के लिए कर रही है कड़ी मेहनत। कैटरीना ने वर्कआउट करते हुए वीडियो किया शेयर। सोनू सूद ने ठेले पर जाकर निकाला जूस। छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने की अपील की वीडियो देख फैंस कर रहे हैं सोनू की तारीफ। लाफ्टर क्वीन भारती सिंह ने एक बार फिर शेयर किया अपना मजेदार वीडियो। दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम के गेटअप में नजर आ रही हैं भारती। तालिबानियों से बचने के लिए पाकिस्तान में शरण लिए अफगान सेना के 46 जवान लौटे वतन। नावा दर्रे से सेना के 5 अधिकारियों समेत लौटा पूरा दल। चीन के दून हुआंग प्रांत में बालू और धूल भरा तूफान करीब 400 फीट की ऊंचाई तक पूरा इलाका बालू से ढका। आसमान पीला होने से विजिबिलिटी घटकर 5 मीटर तक रह गई। लीबिया में अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव पलटने से बड़ा हादसा। समुद्र तट के पास ही नाव डूबने से करीब 60 अफ्रीकी प्रवासी मारे गए। रूस के दौरे पर जाएंगे इसराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन। विवादित NSO और ईरान समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच होगी बातचीत। म्यांमार में बाढ़ ने मचाई तबाही। कोविड केयर सेंटर में पानी भरने से बेड और ऑक्सीजन समेत मरीजों को निकाला बाहर। बाढ़ के चलते मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। अमेरिका के उटाह में भारी बारिश और तूफान। घरों और सरकारी इमारतों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों पर खड़ी कारें पूरी तरह से पानी में डूबी। खेलों के कुंभ पर तेज तूफान और बारिश का साया। टोक्यो में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते ओलंपिक 2020 के कई खेलों को करना पड़ सकता है रीशेड्यूल। अमेरिका के एरिजोना में पुलिस ने बाढ़ में फंसे 2 लोगों का किया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू की नकल कर छोटी बच्ची ने दमदार अंदाज में की वेटलिफ्टिंग। सोशल मीडिया पर मीराबाई चानू ने भी की बच्ची की तारीफ। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो हो रहा है वायरल। जंप का एक्सरसाइज करती नजर आ रही है बिल्ली। लोगों ने कहा क्या ओलंपिक जाने का है इरादा। एक महिला के जूतों से एक डॉग को हुआ प्यार। जूतों के चक्कर में महिला के पैर को ऐसे खींचा कि कुर्सी से सीधा जमीन पर गिरी। धड़ाम वीडियो हुआ वायरल। हाथियों ने गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में की मस्ती। सोशल मीडिया पर हाथियों का धमाल मचाते हुए वीडियो हुआ सुपर वायरल। जंगल में रस्सी पर लटककर एक महिला कर रही थी कुछ स्टंट करने की कोशिश लेकिन स्टंट हुआ फेल और महिला पेड़ों के बीच जोर से गिरी। वीडियो हुआ वायरल।